शंकर दिखा दूंगा, फिर किसको देगा मानवता का उपदेश? पाखंडी कहीं का भगवान बना बैठा है। गांव गांव नगर नगर के लोगों को माया मोह से दूर कर रहा है, सत्य का मार्ग दिखा रहा है। अरे सन्यासी, सभी तेरी तरह सन्यासी बन गए तो हम शासन किस पर करेंगे? हम राजा लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। जिस रात सिंहासन पर बैठकर तुम स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हो, वो नश्वर है, मात्र माया है, और इसे पाने के लिए तुमने अपने महापिता को कारागार में डाल दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तुमने ये जघन्य पाप किया है। शिक्षा मुझे मत दो गौतम, तुम ला ज्ञान का उपदेश दो, मगर शक्ति और स्मृति को झुटलाया नहीं जा सकता। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक इसको पुरुषार्थ से प्राप्त करना हर मानव का जन्मजात अधिकार है। मैंने उसी अधिकार का प्रयोग किया, उचित होगा तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। मित्र, तुम इस भ्रम में हो कि इस साम्राज्य की समस्त भूमि तुम्हारी है। तुम तो स्वयं अपने स्वामी नहीं हो, फिर इस विशाल प्रदेश के स्वामी कैसे हो सकते हो? बंद करो ये ज्ञान का पिंडाल, तुम्हारे अपने को तुम्हारी सीट पर चलते नहीं, दूसरों को उपदेश देकर अपना बनाने का नाटक क्यों करते हो? बंधु, मेरे लिए कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। बताओ तो सही, मेरा कौन अपना ऐसा है जो मेरा शत्रु है? मेरा समय दक्षिणा करो, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो बहुत शीघ्र तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा तुम्हारे अपनों का षड्यंत्र तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारा नाम इस धरती से मिट जाएगा। प्रिय बंधु, गौतम व्यक्ति नहीं, ज्ञान के आलोक का पुंज है। ये धरती, आकाश, ब्रह्मांड इस आलोक में समाहित है, अतः ये शाश्वत है, ये कभी नहीं मिल सकता। आओ गौतम तुम्हारी ओर प्रेम का हाथ बढ़ाता है, तुम्हें भी इस आलोक में प्रकाशित करना चाहता है। तुम मुझे